गाइज दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइज आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि ये जो चंद्र ग्रहण है आज, उसका आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ज़्यादातर लोगों के जीवन में क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, क्या घटित होगा, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो लगभग 2 दिन बाद में वीडियो डाल रही हूँ, और आप लोगों को शायद पता होगा वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इतनी से इतनी तारीख तक, 29 से 7-8 तारीख तक बाहर रहूँगी, और इस कारण से जितने वीडियो अपलोड थे उसके हिसाब से 1 दिन का गैप देकर मैंने वीडियो जो था अपलोड किया है। तो रोज़ रेगुलर आपको वीडियो नहीं दे पाई, उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करें। तो आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। अगर पीछे से आवाज़ आ रही हो तो क्षमा करें। तो आपके जीवन में इस चंद्र ग्रहण के बाद क्या बदलाव आने वाला है ये हम इन कार्ड्स के थ्रू देख रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओशो जैन से अभी भी हम कार्ड देखेंगे, कुछ कार्ड लेंगे। चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिक्स, क्रिएटिविटी, न्यू विजन, अवेयरनेस एंड फ्लावरिंग। बॉटम ऑफ द डेक द क्रिएटर। देखिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादातर व्यूअर्स यहाँ पर, ज़्यादातर व्यूअर्स का जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है, जो हमारी नाभि के ऊपर होता है पेट में, हार्ट चक्रा से नीचे जो पेट में जो चक्रा होता है ना, नाभि के 2-3 इंच ऊपर, उस चक्रा को हम बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये आपका जो है ज़्यादातर 80-90% लोगों का जो है एक्टिवेट नहीं है, ओपन नहीं है, ब्लॉक है। और जब हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक होता है तो जीवन में हमारे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है, हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, वो हमें निर्धारित नहीं होता है, या हमारे जीवन में करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। आपको अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो एक्टिवेट करना है। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, आप चाहे तो सिट्रीन पहन सकते हैं, आप चाहे तो ये टाइगर आई, जो टाइगर आई मैंने ब्रेसलेट पहना है ये पहन सकते हैं, आप चाहे तो ये पाइराइट ब्रेसलेट है ये पहन सकते हैं, ये तीनों में से कोई सा भी ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए, इस चक्रा को। अब एक्टिवेट कैसे हो, आपको सॉरी इस ब्रेसलेट को चार्ज कैसे करना है, तो आपको जब भी आपके पास ये ब्रेसलेट आप खरीदें, ऑनलाइन मंगाएं, अमेजोन से मंगाएं, कहीं से भी मंगाएं, आपको पहले उसको रनिंग वाटर में धोना है, या नमक में रख दें थोड़ी देर और उसको रनिंग वाटर में धो लें, और वो नमक को भी आप फ्लश आउट कर दें, और उसको धूप दीप लगा के रखें, मून की लाइट में रखें उस क्रिस्टल के ब्रेसलेट को, साथ साथ आप उसको सन लाइट में रखें थोड़ी देर, आपका जो ब्रेसलेट है वो चार्ज हो जाएगा। आप चाहें तो कोई मंत्र भी आप
चैंट कर सकते हैं, जो भी आपका इष्ट देव, जो भी आपका गुरु मंत्र हो, वो पढ़कर भी आप उस ब्रेसलेट को एनर्जाइज कर सकते हैं। तो एनर्जाइज कैसे करेंगे, अगर आप कोई मंत्र पढ़ रहे हैं तो आप इसको हाथ में रखकर और इसको इस तरह से रखकर आपको कोई भी मंत्र, जो भी आपका गुरु मंत्र हो, जो भी आपका फेवरेट मंत्र हो, आप उसको चैंट कर सकते हैं 108 बार, और उसके बाद चैंट करके उसको जो है आप पहन लें, धारण कर लें, तो ये जो है आपका ब्रेसलेट जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा। आप इस ब्रेसलेट को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को पहनना है। साथ साथ आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में यहाँ पर ये सभी किसी ना किसी से रिजोनेट होगा, इसलिए राशि नहीं बता रही हूँ। आप कुछ लोगों के जीवन में एक स्ट्रेंथ आएगी, एक शक्ति आएगी, एम्पावरमेंट बढ़ेगा। अगर आप के अंदर हिम्मत नहीं है, अगर आप किसी चीज़ को करने में डर रहे हैं, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, आपके अंदर एक पावर आएगा करने का, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो। अगर आप रिलेशनशिप में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे तो आप अपनी रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका करियर अच्छा नहीं है, उसमें आपको लग रहा है कि अगर आप करियर में कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, आप हेजिटेंट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं करियर में किसी भी चीज़ में आप करियर वाइज अगर किसी एक्शन को लेने से डर रहे हैं, तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर डिफीटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, हारा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों की हिम्मत जो है कम होती दिखाई दे रही है, किसी चीज़ से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में किसी चीज़ को लेकर उनको डिफीटेड फील हो रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंसेस से रिलेटेड स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोगों का हो सकता है प्रमोशन हो जाए, कुछ लोगों का हो सकता है कोई इंक्रीमेंट सैलरी में हो जाए। साथ साथ कुछ लोगों का ऐसा भी दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से इनके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की रिलेशनशिप में अगर सब कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, मन मुटाव कई समय से चल रहा था, रिलेशनशिप में हारमनी नहीं थी, तो यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों का सेपरेशन था, ब्रेकअप था, तो वो रिकन्साइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका सुलह होती हुई अपने पार्टनर से दिखाई दे रही है। रिश्तों में भी यहाँ पर सुलह होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कुछ इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपको आगे आने वाले समय में काफ़ी लाभ देने वाला है। कुछ लोगों को वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है किसी ने अगर किसी चीज़ के लिए, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, तो इंटरव्यू कॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं और कुछ लोग अपने भविष्य के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में जो है क्लैरिटी आ रही है। अगर आपका किसी से कोई मतभेद चल रहा है, कोई बातों में क्लैरिटी नहीं है, तो या ये कह सकते हैं विचारों में क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की लाइफ में जो है प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है। साथ साथ कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत क्रिएटिविटी उनकी लाइफ में आ रही है, उनको अंदर से क्रिएटिविटी उनके अंदर क्रिएट हो रही है, ताकि वो जीवन में कुछ
क्रिएटिव कर सके, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी बदलाव आ रहे हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद। कुछ लोगों की लाइफ में अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, तो जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं इस चंद्र ग्रहण के बाद, जल्द ही कंसीव करेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि उनकी लाइफ में दोहरा चेहरा, अपना दोहरा रूप दिखा सकते हैं। हो सकता है आप जिसको अच्छा समझ रहे हो, उनका दूसरा रूप आपके सामने आए, उनका दूसरा पहलू आपके सामने आए। कुछ लोग यहाँ पर एक नया उद्देश्य से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में अवेयरनेस आ रही है, कुछ लोग स्पिरिचुअली अवेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में बहुत एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ का, कुछ लोग वेट कर रहे थे किसी अच्छे प्रपोजल का या किसी अच्छे ऑफर का वेट कर रहे थे, तो कोई कोई ऑफर आपकी लाइफ में करियर वाइज आता हुआ दिखाई दे रहा है, या रिलेशनशिप में कुछ लोगों को कोई ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू रिलेशनशिप का। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, तो आपको हो सकता है कोई न्यू पोस्ट, कोई बड़ी पोस्ट पॉलिटिकल पार्टी में आपको मिल जाए, इस तरह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। और भी हम कार्ड लेंगे और देखेंगे इस चंद्र ग्रहण आपके लाइफ में क्या आ रहा है। केयर रिक्वायर्ड, टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स, चैलेंजेस, पर्सनल रीचेस, अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे, हो सकता है फैमिली रीयूनियन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर आपकी फैमिली में मन मुटाव चल रहा था किसी बात को लेकर, कोई इश्यूज थे, क्लैरिटी नहीं थी, हारमोनी आती हुई आपकी लाइफ में, फैमिली लाइफ में दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो पेशेंस रखें, धैर्य रखें, और टफ टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। हो सकता है बहुत अपने कामों को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़े, और पर्सनल रीचेस आती हुई दिखाई दे रही। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाए, हो सकता है कि जो आपके स्मॉल सोर्सेस थे इनकम के, वो बिग सोर्सेस ऑफ इनकम में टर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ आपको किसी भी धोखे से बचना चाहिए, और जो भी काम करें, जो भी पेपर्स पे साइन करें, जो भी लेन देन करें, बहुत सोच समझ के करें। अगर आप किसी पैसे का लेन देन मंगलवार या शनिवार को करते हैं, तो बहुत सतर्क रहें। मंगलवार शनिवार आपको किसी को पैसा नहीं देना है। अगर आप मंगलवार शनिवार किसी को पैसा देते हैं, तो उसको लौटने में बहुत समय लगेगा, वापस रिकवर होने में परेशानी आएगी, हो सकता है वो पैसा डूब भी जाए। तो बहुत आपको ध्यान से जो है किसी को लेन देन करना है पैसे का, अगर साइन भी कर रहे हैं पेपर्स पे, बहुत सोच समझ के करें। कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई मकान खरीद रहे हैं, तो उसकी पूरी अच्छे से चेक कर लें कि वो
किसी ऐसा तो नहीं दो पार्टी को सेल किया गया, दूसरी किसी पार्टी को भी सेल किया गया, तो यहाँ पर किसी प्रकार का डिसेप्शन, रिलेशनशिप फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ, डील से रिलेटेड कुछ डिसेप्शन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बहुत ध्यानपूर्वक जो भी डील करें बहुत ध्यानपूर्वक करें। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें चैनल को, और सॉरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।